Entity 303 एक एंटिटी है जो कि हमारी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस है। Entity 303 को हैकर भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके वर्ल्ड में आकर आपके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, ये एंटिटी भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि माइनक्राफ्ट का हिस्सा नहीं है, सेम हीरोब्राइन की तरह। वेट, हीरोब्राइन, इस वाली शॉर्ट्स में मैंने आपको हीरोब्राइन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन मैंने उसमें आपको सीड नहीं दी थी। ये है वो सीड जिसमें हीरोब्राइन दिखा था। ध्यान रहे, इस सीड्स को लगाने के पहले आपका वर्जन होना चाहिए 1.0.16.02। कहा जाता है कि एंटिटी 303 क्रीपी पास्ता। वेट, अब क्रीपी पास्ता कौन है? क्रीपी पास्ता एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल रहती है। एंटिटी 303 को दनी हीरोब्राइन भी कहा जाता है। क्रीपी पास्ता के अनुसार मोजांग का एक खास आदमी नॉच, जी हाँ मैं माइनक्राफ्ट के क्रिएटर की बात कर रहा हूँ जिसने माइनक्राफ्ट को बनाया है, इन्हें माइनक्राफ्ट से निकाल दिया गया था। तो लोग ऐसा कहते हैं कि नॉच मोजांग और माइनक्राफ्ट वालों से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो एंटिटी 303 के रूप में गेम में एंटर होता है। अब एक बंदा है जो ऐसा दावा करता है कि उसने अपने वर्ल्ड में एंटिटी 303 को देखा है। उस बंदे के अकॉर्डिंग वो अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में नॉर्मली खेल रहा होता है, यहाँ तक तो सब नॉर्मल था। लेकिन वो बंदा जब माइनिंग से अपने घर की तरफ जाता है तो उसके घर के पास उसे कुछ दिखता है। वो बंदा बहुत डर जाता है लेकिन हिम्मत करके वो बंदा उस चीज की तरफ बढ़ता है। अब जैसे जैसे वो बंदा उस चीज की तरफ बढ़ता है उसका गेम बहुत ज्यादा लैग होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उस बंदे का गेम ही क्रैश हो जाता है। एंड जब वो गेम को रीओपन करता है तो उसका गेम ओपन ही नहीं होता। बहुत टाइम बाद वो फिर से गेम को ओपन करता है एंड इस बार उसका गेम ओपन हो जाता है। देन वो अपने वर्ल्ड में जैसे ही एंटर होता है उसका वर्ल्ड वहां पर होता ही नहीं, टोटली ब्लैंक। हमारे गेम में कोई भी चीज को रेंडर करने के लिए हमें रेंडर चंक्स को बढ़ाना पड़ता है। इस बंदे के रेंडर चंक्स ऑटोमेटिक जीरो हो गए थे। फिर ये बंदा ऐसा दावा करता है कि उसने अपने वर्ल्ड में एंटिटी 303 को देखा है। वो बंदा लोगों को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बट लोग इसकी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे थे क्योंकि लोग प्रूफ मांग रहे थे और इसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ क्योंकि ये चीज मैंने खुद इंटरनेट में पढ़ी है। देखो मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताओ। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।